तो देखिए किस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ पर भारतीयों की मौजूदगी आप देख सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए थे। हमारे मूल में कहते हैं भाई, हम तो अमेरिका के पपिट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हराने में अमेरिका के कमिटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप मानवता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द रोल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू प्ले, वी एक्सपेक्ट एंड इंडीड सी इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। दूसरी जानी मोदी साहब की आज अमेरिका की स्पीच की बात करेंगे, क्या जबरदस्त आइडिया दुनिया के सामने रखा है। डिजिटल इकोनॉमी फेज टू का आगाज कर दिया है उन्होंने अमेरिका के साथ। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट जब आपस में टकराएगा तो हम आने वाले चैलेंजेस को जो है बड़ी इजी से जो है कवर करेंगे। वाह मोदी जी वाह। हमारे मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचने की सबसे बड़ी वजह क्वाड मीटिंग्स। जैसे ही खबर पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तानियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। तो पाकिस्तानियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा पाकिस्तान। नहीं, उन्होंने फ्रॉम द डे वन वो एक पावरफुल डेमोक्रेसी की शक्ल में उभरे हैं। ठीक है सर। और देयर नेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड देम। ठीक है, दे सपोर्ट देम बाय ऑल द वेज, पॉलिटिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, एंड नाउ दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ। आईटी में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, और वो पूरी दुनिया को करेंगे रूल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो बाइडेन जाने वाले हैं और समझ लें उनके एक फेयरवेल भी है, और जो बाइडेन ने अपने घर में डिनर रखा हुआ है होम टाउन में, और मोदी साहब को इनवाइट किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर अगर वो किसी को अब आगे लेके आना चाहता है तो वो कहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो इंडियंस ही हैं। और मोदी साहब आज क्या कह रहे थे कि इंडिया का जो टैलेंट है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे ग्रो करेगा, और कहा कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। अगर अपनी बात करें, हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपिट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह ये है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। ठीक है, ऑल दो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट ऑफ दिस वी हैव टैलेंट। ठीक है, वी आर ऑल द थिंग्स विच वी कैन प्रोड्यूस अ गुड नेशन, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। जो बाइडेन की अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, तो उससे पहले जो ट्रंप का इरा गुजरा है, ऑब्वियसली देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू इराज। तो उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए हर वो इनिशिएट, और अमेरिकन्स का एक बहुत बड़ा एक जो उनकी USB है ना, वो ये है, दे प्रमोट ओवर प्रमोटर्स। उन्होंने हमेशा प्रमोट किया जो पहले से प्रमोटेड है। ठीक है, और उनकी रेस के साथ जो जाके मिला है, ऑब्वियसली दे डिजर्व सच काइंड ऑफ थिंग्स विच दे आर गोइंग टू डू। और हम अपनी नेशन को ऑब्वियसली जहाँ पे हमारी जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है, हम तनकीद बराए तनकीद को तो बहुत बेहतर समझते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम लास्ट 77 ईयर्स, व्हाट आर पॉलिटिकल लीडरशिप
हैज डिलीवर्ड अस कि हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें. वी आर वेरी मच गुड इन एजुकेशन सेक्टर, वी आर वेरी मच गुड इन न्यू इंटेलेक्चुअल आइडियाज, बट वी डिडेंट हैव एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन वर्क एंड वी कैन प्रूव दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. ना इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है इंडिया. और आपको पता है दुनिया की सारी दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे. तो अब मोदी आप देख ले, मोदी जैसा भी है हमारे लिए सही नहीं है, वो नो डाउट जैसा भी है, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए इतना सिंसियर है. हाँ. इतना सिंसियर है, उसने अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया. हाँ. अब उसके कंट्री वाले लोग क्या करते हैं, वो उसी को अगले 5 साल के लिए भी उसी को बना लेते हैं, अपना वजीर आजम बना लेते हैं. सर आपने डिस्कस किया कि वी आर बेटर इन एजुकेशन, बट करंटली अगर देखा जाए पाकिस्तान की एजुकेशन और पाकिस्तान के जो डिग्री है वो इंटरनेशनल कहीं पे भी अप्रूव नहीं है, और ना ही हमारी पॉलिटिक्स से. लेकिन आज अगर बात करें मोदी साहब की लीडरशिप को, दुनिया इस वजह से भी प्रेस करती दिखाई दे रही है. रशिया का भी दौरा करते हैं, यूक्रेन का भी करते हैं, पोलैंड भी जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी जाते हैं, और हर कंट्री उनको हाथों हाथ ले रही है. और ट्रंप क्या कह रहे हैं कि फैंटास्टिक मोदी को वेलकम करने का अमेरिका के अंदर बड़ा मजा आएगा. जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ बैठा हुआ है, जो इंडियंस वहाँ बैठे हुए हैं, उनका प्राइड, उनका मोराल कितना हाई होता है जब उनके वजीर आजम को इतने बड़े स्टेज पे कई घंटों बैठ के सुना जाता है. इसमें कोई शक वाली बात है? मतलब उन्होंने प्रूव किया है ना. उन्होंने प्रूव किया है और उनकी लीडरशिप ने उनको बैक किया है. उनका पॉजिटिव इमेज उनकी लीडरशिप ने पूरी दुनिया में दिखाया है. हमारा मसला ये है कि हमारे लीडरशिप या हमारा जो भी अपकमिंग लोग हैं वो हमारी पॉजिटिव एसेप्ट्स को दिखाते ही नहीं. हमें डे वन से तो कशकोल के पीछे टिकाया हुआ है कि हमारा जनाब फ्लड आ जाए, हमें ये पैसे मिल जाए, ये डोनेशन यूनिसेफ आके हमें डोनेट कर रहा है, एड हमें दे रहे हैं. हम एड्स के पीछे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी के पीछे हैं. सो दे आर हैव अ वन स्टेप अहेड फ्रॉम अस. डिजिटल इकोनॉमी की आप बात कर रही है पूरी दुनिया, डिजिटल तो छोड़े हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी भी नहीं है. और उन्होंने कहा कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलकर आने वाले जो चैलेंजेस है उसको पहले से ही अपनी कंट्रीज को प्रिपेयर कर रहे हैं. तो सर ये चैलेंज इंडिया और अमेरिका के लिए नहीं, चैलेंज पाकिस्तान के लिए भी है. अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊँ, डिजिटल या ई कॉमर्स या ई मार्केट, हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडियंस उस पर 15 साल पहले हाथ साफ कर चुके हैं. ठीक है ना जी, वो कर चुके हैं. हम आज कह रहे हैं ई कॉमर्स पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएगी, और एक छोटे से पॉलिटिकल इवेंट के लिए हम पूरे मुल्क का इंटरनेट सिस्टम जाम कर देते हैं. इस वक्त पूरी दुनिया जो ट्रेड कर रही है वो ई कॉमर्स पे कर रही है. हमारे चार बंदों के नारे ना लग जाएं. ठीक है ना जी, हम कहते हैं जी फायरवॉल खराब हो गई, फायरवॉल लगाओ, ये वायर कट गई, मीम्स बनी हुई ना ये हमारी. हम अभी उस अपने होल शेल्ड से बाहर निकले ही नहीं है, ना हमें निकाला गया. ठीक है ना जी, वो 15 साल पहले ई कॉमर्स को खंगाल के छान के उससे आगे जा चुके हैं. सर इंडो पैसिफिक की अब बात हो रही है. हाँ इंडो पैसिफिक, अब बिल्कुल. तो इंडो पैसिफिक इज अ हेल ऑफ डिफरेंस. कहाँ 1 अरब लोग और कहाँ आप 25 से 30 करोड़ के एयरगेड. हम कहते हैं जी वी आर राइवल्स ऑफ वन अदर. ऑन विच ग्राउंड्स वी आर राइवल्स ऑफ वन अनदर? वी डोंट हैव सफिशेंट इकोनॉमी, we don't have sufficient intellectuals, we don't have anything, literally we don't have anything which we can say ke ji we are now here to compete Indians IT department. theek hai na ji, ab unke aapke Pakistan mein ek Apple store nahi hai. हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है ना वो भी जरूरी है, और लैक ऑफ लीडरशिप मतलब है उसमें. तो अमेरिका को पाकिस्तान गालियां निकालता रहता है, इंडिया उसका बायलैटरल ट्रेड उसका पार्टनरशिप डिक्लेयर, और आज मोदी साहब ने बोला है कि हम इंडियन आर्मी के बारे में ये भी बता दें सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका के साथ कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम कॉलोनी बन गए, हमें खा गया, लूट लिया. नहीं नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी में है कोई फॉरेन पॉलिसी है? ये डिबेटेबल है. मैंने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया, और हाँ शेयर भी नहीं किया, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो है ना. जल्दी से करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना. okay. आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता. जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम.